प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? क, हल्दार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। ख, पानवाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। ग, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। उत्तर, क, यह वाक्य हालदार साहब की देशभक्ति की भावना को प्रकट करता है। उनके मन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपार सम्मान और श्रद्धा व्याप्त थी। इसके साथ ही उन्हें सुभाष जी की मूर्ति में गहरी रुचि थी। सुभाष जी की मूर्ति में चश्मे का न होना, फिर बार बार चश्मा लगाने वाले के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये सब बातें उनकी देशभक्ति की भावना का ही बोध कराती हैं। ख, पानवाला यद्यपि कैप्टन के प्रति उपेक्षा दर्शाता था, फिर भी वह संवेदनशील व्यक्ति था। उसे कैप्टन की मृत्यु पर अत्यधिक दुःख हुआ था। उसे अनुभूति हुई थी कि कस्बे में कैप्टन जैसा देश प्रेमी और कोई नहीं था। इसीलिए वह कैप्टन को याद करके उदास हो गया था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ग, कैप्टन के मन में अपार देशभक्ति की भावना थी। वह देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले नेताजी के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता था। इसी कारण वह बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति पर बार बार आकर चश्मा लगा देता था। इससे उसकी देशभक्ति का परिचय मिलता था।